ये हम लोग जो अभी बिहार सरकार हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है और FRS लागू किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कृपया कर FRS को, FRS का मतलब क्या होता है? FRS का होता है हाजिरी बना, फेस अटेंडेंस, यानी कि जो भी हम लोग कहीं जो ड्यूटी करते हैं दिन भर का जो ड्यूटी है उस ड्यूटी के मोबाइल से यानी ऑनलाइन हाजिरी बनाना है। और हाजिरी में भी हम लोग को ऐसा नहीं बोला गया है कि दिन भर में कभी एक टाइम बना दे, ऐसा नहीं बोला गया। हम लोग को यही वजह प्रॉब्लम यही है, हम लोग ड्यूटी करने और अटेंडेंट बनाने से नहीं कतरा रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम लोग पूरे बिहार में NM है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ, हम लोग यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नवीनगर ब्लॉक से आते हैं, तो सिर्फ नवीनगर ब्लॉक का ये कहना नहीं है, पूरे बिहार का कहना है कि ठीक है अगर आपको लगता है ऐसा कि NM लोग को हाजिरी बनवाएं हम ऑनलाइन, तो ठीक है बनवा ले, लेकिन दिन भर में कोई किसी एक टाइम बनवा ले। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि 9 बजे, अगर 9:05 होती है तो हम लोग को अटेंडेंस कट जाएगा। 3 टाइम बनाया गया है, 1 9 बजे 2 बजे उसके बाद 5 बजे, लेकिन हम लोग के पास ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं PSC जो हम लोग का है, PSC से सभी जितनी भी NM लोग हैं सभी NM लोग को 15 से 20 किलो, 25 किलो, 30 किलोमीटर तक की दूरी होती है। तो बताइए कि यहाँ से जाना हम लोग को पॉसिबल नहीं है। ये और ये जो क्षेत्र है खासकर हमारे, मतलब हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जाने में इतना बड़ा समस्या होता है कि ना तो हम लोग को किसी तरह का बस मिलती है और ना ही ऑटो मिलती है। अगर किसी का किसी जगह पे अगर ऑटो मिलती भी है तो टाइमियल नहीं मिलती है, एक्का दुक्का मिलती है। आप कौन सा पद में है? मेरा NM, हम NM है, NM पद पे कार्यरत हूँ। और इतने और हमारे साथ थे CHO भैया, दीदी और एक GNM भी। मेरा नाम घनश्याम कुमावत। किसने धरना में जो बैठे हैं आप लोग? हम जो बिहार सरकार का जो कड़ा कानून है FRAS, फेस अटेंडेंस, फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम जो है, इसके खिलाफ में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे NHM कर्मी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, समान काम का समान वेतन, ये रूल सभी स्टेट में फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार से कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ा सर? आप लोग का बात नहीं कर सकते थे? बात से सर नहीं हो पाता है, बात बिहार सरकार ने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है। 6 अगस्त से हम FRS, 6 जुलाई से हम ये कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। सरकार को अगर बात सुननी होती तो अभी तक सुन लिया होता, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है फेस अटेंडेंस को बंद किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए या इसके बदले में हमें परमानेंट किया जाए। तो जो 12 सूत्र ये मांगे हैं जिसके समक्ष बिहार जन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बोर्ड हमारे साथ खड़ा है, उनकी 12 सूत्रीय मांगों को पूरी किया जाए। फील्ड में जो भी APSC है या SWC सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर महिला कर्मियों के लिए ना तो टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, ना पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, ना किसी प्रकार के कोई सिक्योरिटी वहाँ अवेलेबल है। तो ऐसे में कोई भी जो महिला कर्मचारी है वो वहाँ कैसे काम कर पाए? 9 बजे अटेंडेंस सिस्टम वैसे बनाओ, 2 बजे बनाओ, उसके बाद 5 बजे बनाओ। कहने का मतलब अगर 2 बजे फिक्स अटेंडेंस नहीं बनाया तो अटेंडेंस लॉस हो जाएगी, हाफ सैलरी मिलेगी आपको। सेम उसी वक्त 2 बजे अगर पेशेंट आ गया मरने की कंडीशन में है तो ये बताए कि पेशेंट को संभालेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे? बिहार विधानसभा या जो भी भारत सरकार की जो विधान परिषद है, संसदगण है, विधानसभा में जब विधायक जाते हैं उनका किसी प्रकार का कोई अटेंडेंस सिस्टम है तो बताइए? किसी भी विधायक का बेटा या बेटी इस प्रकार फील्ड में कोई काम करती है जो मात्र 15,000-20,000 रुपये की सैलरी में किसी एक विधायक का भी बेटा या बेटी काम करता हो तो हमें बताइए? ये जो काले कानून है वो आम नागरिक के लिए क्यों बने होते हैं? सरकार इस पर विचार करे और हमारी यही सरकार से मांग है जितना जल्दी हो सके इसको बंद किया जाए। जब तक बंद नहीं तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, यही हमारी मांगे हैं। धरना में किस लिए बैठे हैं हमारा बोलिए? धरना में हम अपनी मांगों के लिए, हम ANM के पद पर हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नवीनगर ब्लॉक से हैं और हम धरना में अपने मांगों को लेकर के बैठे हैं। हमारी मांग है समान काम का समान वेतन,
सरकार से हमारी एफआईआर अटेंडेंस जो है उसको हटाने की मांग है सरकार से। आप लोग कब से ये धरना प्रदर्शन? 6 जुलाई से। 6 जुलाई से। आपका नाम क्या हुआ? अमृता कुमारी। आप बताइए मैडम, बोलिए। 5 महीने से। 5 महीने से। मेरा नाम सदन कुमारी है, धुंदेहू प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट के, और हमें मेरा पोस्टी नवी नगर ब्लॉक में है। हम लोग का 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला 5 महीना से? हम लोग इतना दूर से आकर रह रहे हैं, बाल बच्चा परिवार के साथ रहते हैं, कितना दिक्कत झेल रहे हैं, इस सरकार को नहीं सुनाई पड़ रही है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं।